तो दोस्तों जानना बहुत जरूरी है कि हमारे दुख का कारण क्या है। एक आदमी था, उसका घर था, शहर के बीचों बीच खूबसूरत सा मकान था, बहुत ब्यूटीफुल मकान था। कोई भी आता जाता व्यक्ति उस मकान को देख और मकान देखने के बाद उस मकान की तारीफ किए बिना नहीं जाता, वाह क्या मकान है, क्या मकान। फिर एक दिन समय आया जब वो घर का जो मालिक, वो बाहर गया हुआ था किसी काम से, और जब वो काम खत्म करके लौट के आया तो देखा मेरे घर में आग लग चुकी है और धुआं निकल रहा है, आग की लपटें निकल रही हैं और बाहर पब्लिक खड़ी हुई तमाशाबीन बन के और तमाशा देख रही है। कोई भी उसको आग को रोक नहीं पा रहा, रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा। ये आया आदमी जिसका मकान था, वो बहुत दुखी हो गया कि मेरा इतना करोड़ों का मकान देखो कैसे चल रहा है और कोई भी मदद नहीं कर रहा है। और वो व्यक्ति सब लोगों को गुहार करने लगा कि मेरी मदद करो, मदद करो। व्यक्ति बहुत दुखी था, कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। फाइनली थोड़ी देर में उसका बेटा आता है, बड़ा बेटा, और आके कहता है बाप से कि पापा तुम क्यों दुखी हो रहे हो, क्या हुआ? तो बाप कहता है तो ये दिखता नहीं अपना घर चल रहा है। तो बेटा कहता है पापा मुझे माफ करना, तुम तो कहीं बाहर चले गए थे 2-4 दिन के लिए, तो पीछे मुझे ग्राहक मिल गया। मकान की कीमत अगर 1 करोड़ थी तो हमको 3 गुना पैसा दिया है उसने खूबसूरत मकान का, तो मैंने तो इसे सौदा कर दिया था फाइनल। आहा, पिता को शांति मिली। पिता भी वहीं खड़ा हो गया और खड़ा हो गया तमाशाबीन बन के घर को जलता हुआ देखने लगा वो आदमी भी। थोड़ी देर के बाद दूसरा बेटा आता है और कहता है पापा तुम यहाँ खड़े हो तमाशाबीन बन के देख रहे हो मकान को जलते हुए? बेटा पूरी बात कहता है कि नहीं ये मकान तो बिक गया है, ऐसा तेरे भाई ने बेच दिया, बड़े भाई ने। तो वो कहता है पापा बेच तो दिया लेकिन अभी पैसे नहीं आए थे, अभी पैसे नहीं आए थे, पैसे आने बाकी है पापा। फिर बाप दोबारा टेंशन में आ गया, वापिस से दुखी हो गया, वापिस से सारी पब्लिक को गुहार करने लगा मेरे मकान को बचाओ, मेरे मकान को बचाओ। थोड़ी देर के बाद तीसरा बेटा आता है और कहता है पापा मैं उस आदमी से कल ही मैंने कलेक्शन कर लिया जिसको मकान बेचा था बड़े भैया ने। फिर बाप खड़ा हो गया, फिर शांति से खड़ा हो गया, मकान को जलते हुए देखने लग गया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, ये कथा बताती है एक ही परिस्थिति में आदमी का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। उसी समय उस आदमी का विचार बार बार बदल रहा है, परिस्थिति एक ही है कि घर चल रहा है पर उसके विचार बार बार बदल, क्योंकि तो ये सोच के कारण होता है। तो हकीकत क्या है, हकीकत हमारे दुख का कारण क्या है कि कोई भी चीज है हम उससे जुड़ जाते हैं और जुड़ जाते तो उसे हम अपना मानने लगते हैं, उसमें मोह हो जाता, और जब वो मोह हो जाता है हमको उस चीज में तब हमें लगता है कि हमें डर रहता है कि वो चीज हमसे छिन ना जाए, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, यही हमारे दुख का कारण है। इसलिए जब आप किसी से मिलते हैं, उससे जुड़ते हैं, उसको अपना मानने लगते हैं और वो आपसे दूर हो जाता है तो आपको बहुत दुख होता है, ये दुख का कारण है। आप अपने शरीर को मैं मानते हैं तो इसलिए आप शरीर से भी जुड़ जाते हैं, आप हो तो शुद्ध आत्मा, हो तो प्योर सोल, बट आप इस शरीर से जुड़ जाते हो तो क्या मानते हो, मैं शरीर, जो भी आपका नाम है। अगर मेरा नाम पंकज है तो आप बोलते हो मैं पंकज, तो जुड़ जाते हो शरीर को अपना मान लेते हो और यही दुख का कारण है। फिर शरीर के साथ कुछ भी घटना होती है, शरीर के जो रिश्तेदार हैं, कोई किसी ने कुछ हर्ट किया, किसी ने कुछ बोला तो हमें दुख हो जाता है। इसलिए हमारे दुख का कारण असली वजह है ज्ञान का न होना। जब हम किसी से जुड़ेंगे नहीं वो हमें दुख कैसे होगा, सबसे पहले शरीर से ही मत जुड़ो, जो रिश्तेदार जो नाते वो सब शरीर के हैं। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा तो कोई नहीं, मेरा तो परमात्मा है, बस याद रहने दो।